बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी। ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से भी जारी की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, तो साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयवान, वीरेंद्र सिंह का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस की ओर से भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, वीरेंद्र सिंह का नाम शामिल है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट कांग्रेस की ओर से भी जारी कर दी गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। तो वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। और हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देखिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस की ओर से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जो की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीपक बावरिया प्रदेश के प्रभारी, उदयभान प्रदेश कांग्रेस के तो अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो की सीएलपी लीडर है, पूर्व सीएम है, इन तमाम लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया। इसके साथ साथ नजदीकी राज्य में भी बात करें तो चाहे वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी हरियाणा में स्टार प्रचारक बनाया गया है। चुनाव प्रचार के लिए अजय माकन जो की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष है, इस तरीके से कुमारी शैलजा जो की लोकसभा की सांसद हैं उन सिरसा से, उन्हें भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला है। इसी के साथ साथ वीरेंद्र सिंह की बात की जाए, आनंद शर्मा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह सन्नी जो की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट हैं, अमरिंदर सिंह हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, सांसद जयप्रकाश की बात की जाए, सतपाल भरमचारी की बात की जाए या फिर राज बब्बर जो की कांग्रेस के नेता हैं, इसी तरीके से तमाम बड़े नाम हैं जिनको स्टार प्रचारकों में रखा गया है। 40 स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी। कांग्रेस की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है जो हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की बात चाहे एक उन्होंने सीपीआईएम को दिया, बाकी 18 सीटों पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए, सब सीटों पर प्रचार के लिए प्रचारकों की रहेगी। लेकिन राहुल गांधी जो बताया जा रहा है कि वो भी हरियाणा में 3-4 बड़ी जनसभाएं कर सकते हैं। प्रियंका गांधी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग जनसभाएं रहने वाली हैं, तो इसको लेकर के स्टार प्रचारकों की सूची है वो तैयार की है जो आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार में जुटेंगे। हालांकि सीधे तौर पर एजेंडा भी तैयार किया गया है कि किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा जाएगा, केंद्र सरकार पर हरियाणा में, क्योंकि विधानसभा में भाजपा की सरकार थी 10 सालों से, तो कैसे सरकार पर निशाना साधा जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस के जो प्रचारक है वो हरियाणा में पहुंचेंगे। जी दीपक जी, पूरा गांधी परिवार हरियाणा में जनता से वोट्स की अपील करता नजर आएगा, लेकिन इस बीच खास बात यह भी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि खिलाड़ियों में भी विनेश फोगाट की बात की जाए, बजरंग पुनिया की बात की जाए, इन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। हालांकि विनेश फोगाट हरियाणा से विधानसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ साथ बजरंग पुनिया की बात की जाए, उन्हें हाल ही में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है किसान मजदूर को लेकर के, जो कांग्रेस का प्रकोष्ठ का उसको अगर लेकर, ऐसे में तो इनको खिलाड़ियों के तौर पर भी अगर बात करें तो स्टार प्रचारक के तौर पर इन्हें सामने रखा गया, ताकि वो लोगों को साथ जोड़ सके, जो खेलों के जो मुद्दे हैं, जो खिलाड़ियों से जुड़े जो मुद्दे हैं वो लोगों को बता सके, और किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका रही है खिलाड़ियों की, तो इन्हें भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, इन्हें साथ जोड़ा गया है। जो 40 सदस्यीय जो सूची है उन्हें साथ जोड़ा गया, ताकि ये हरियाणा की अन्य विधानसभाओं में भी चुनाव पार्टी के लिए कर सकें। जी दीपक जी, ये 40 नेताओं के नाम इस सूची में हैं, और कांग्रेस की ओर से किन बातों को ध्यान में रखते हुए इन नामों का ऐलान किया गया है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से बात करें तो तमाम बड़े चेहरे तो है ही है जो की कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं हम, चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो जो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में रहे हैं, चाहे वो दीपक बावरिया है, अजय माकन है, उन्हें प्रचारकों में रखा गया है,
इसके अलावा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं उन्हें स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में हरियाणा में अन्य राज्यों से आसपास का एक बड़ा प्रभाव रहता है तो उनको यहाँ पर रखा गया है। और खासकर ऐसे नेता जो जाट चेहरे हैं, जो किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, जो खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे, जो बड़े चेहरे हैं, जो सैनिकों से जुड़े हुए रोहित चौधरी हैं, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें यहाँ पर स्टार प्रचारकों में रखा गया है। कैप्टन अजय यादव है जो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है, उन्हें स्टार प्रचारकों में रखा गया है ताकि वो ओबीसी मोर्चे जुड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर के लोगों के बीच जा सके। तो तमाम वो मुद्दों का ध्यान रखा गया है कि जब लोग यहाँ पर आए तो वो किस चीज को लेकर के उनका अहम जिम्मेदारी रही है या किन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के बीच जा सकते हैं, जो संदेश दे सकते हैं। ऐसे में 40 लोगों की एक बड़ी सूची जो है कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई है।